जैसे कि आप सबको बताया कि शाहरुख खान की पठान मूवी आ रही है, जिसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। हमें ट्रेलर नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ डिसलाइक बटन को दबाकर वापस आ जाना है। बोलिए जय श्री राम। सिर्फ और सिर्फ डिसलाइक बटन को दबाकर वापस आ जाना है। दिखा दी ना एक फैन में ट्रेलर को डिसलाइक करके देशभक्ति, मिल गया ना दिल को सुकून, उड़वा दिया ना भाऊ का इंस्टा। हाँ तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग यार। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा फेक न्यूज के बारे में। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेक न्यूज कैसे बनती है। आप सबको बताया कि शाहरुख खान की पठान मूवी आ रही है, जिसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। इनके पीछे कौन हो सकता है? बबलू जी। और साथ ही हमको किस किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। सिर्फ और सिर्फ डिसलाइक बटन को दबाकर वापस आ जाना है। मैं वापस आऊंगा फिर अपने गांव में, आम की छांव में। एंड हाँ, आज की इस वीडियो में मैं वो सारे मिथ्स क्लियर करूंगा जो आपके दिमाग में बैठ चुके हैं। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। मेरे ख्याल से वीडियो का इतना ओवरव्यू काफी होगा, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुनिए, देखो ये जो फेक न्यूज होती है ना, इसको लेके एक सबसे बड़ा रूमर ये चलता है कि फेक न्यूज मेनली जियो के आने के बाद वायरल होना शुरू हुई है। देखिए ये चीज अपन मान सकते हैं कि इंटरनेट पे फेक न्यूज जियो के आने के बाद वायरल होना या फिर स्प्रेड होना शुरू हुई होंगी, बट अगर अपन रियल लाइफ में जाएंगे तो ये रूमर एकदम गलत है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। जब हमारे देश में ये लुटेरे आए थे तो इन लोगों ने हमारी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पलट के रख दिया था। मैं एग्जांपल के लिए शिव ज्योतिर्लिंग को लूंगा। शिव ज्योतिर्लिंग को लेके इनने बहुत तरीके की कहानियां बनाई हैं, और वो कहानियां क्या हैं आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। और मजाक वाली बात ये है कि लोग आज भी इन कहानियों पर बिलीव करते हैं, वो भी पढ़े लिखे लोग। बट जब आप खुद रिसर्च करने जाएंगे, अगर मैं सीधा बोलूं तो स्कंद पुराण पढ़ने जाएंगे, तो आपको पता चलेगा संस्कृत में लिंग का मतलब होता है निशान। लेकिन इन लोगों ने क्या बताया, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे। सो पॉइंट इज दैट लिंग का मतलब संस्कृत में निशान होता है, और लोगों ने हिंदी से उस चीज को रिलेट करके दिखा दिया और आपके सामने पेश कर दिया एक फेक न्यूज जिसको आप अभी तक बिलीव करते हैं। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। अब अपन बात करते हैं कि फेक न्यूज को क्या मेनली वही लोग वायरल करते हैं जिनके हाथ में अभी अभी इंटरनेट आया होता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज भी गलत है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। उसके बाद भी जब मैं आज से 2-3 दिन पहले फेसबुक चला रहा था, तब मेरे सामने एक ये मीम आया। इस मीम को पढ़ने के बाद एक सेकंड को मुझे भी लगा कि ये रियल है, क्योंकि देखिए अमित शाह जी इस देश के होम मिनिस्टर है, उनका लड़का BCCI में, तो पॉसिबल हो सकती है ये चीज। बट स्टिल थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद जब मैंने इसके सोर्स ढूंढे तब पता चला कि ऐसा नहीं है, ये टोटली फेक है। सो सबसे पहली चीज तो अपने दिमाग से ये निकाल देना कि जियो के आने से फेक न्यूज बनना शुरू हुई है या फिर वायरल होना शुरू हुई है। और ये र्यूमर भी अपने दिमाग से निकाल देना कि सिर्फ गंवार लोग इसमें फंसते हैं, कोई भी फंस सकता है, चाहे वो कितना ही क्यों ना इंटेलेक्चुअल हो। यार तो आई नो कि अब तक की वीडियो आपको बहुत ज्यादा बोरिंग बोरिंग सी लग रही होगी, क्योंकि टिकटॉक के आने के बाद ना लोगों ने अपने पेशेंस खो दिए हैं। बट ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है, अब जो चीजें तुम देखने वाले हो ना उसके बाद तुम्हें हंसी भी आएगी और मजा भी आएगा। लेकिन अब वो वीडियो दिखाने से पहले मैं पिछली वीडियो के बारे में बात करूंगा। यार जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, हमारी लास्ट वीडियो पैसों के ऊपर थी, और उस वीडियो को देखने के बाद काफी लोगों ने मेरे से पूछा कि सम्राट भाई हमको कोई सही तरीका बता दो पैसा सही जगह इन्वेस्ट करने का, या फिर कुछ ऐसा तरीका बता दो जिससे हम पैसे से पैसा कमा सके। तो यार अगर तुम वाकई में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर पैसे पैसा कमाना चाहते हो, तो मैं तुमको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा, उसका नाम है स्टॉक मार्केट। आप लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में तो सुना ही होगा, और आप में से काफी लोग उसमें इन्वेस्ट भी करते होंगे, और अगर नहीं करते हो तो बहुत इजी चीज है, इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इजीली ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको बस एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अब मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है ग्रो। ये बहुत ही सिंपल और इजी ऐप है इन्वेस्टमेंट के लिए, सीरियसली बोलूंगा। जब मैंने इस ऐप के बारे में रिसर्च करी तब मेरे को पता चला कि 70 लाख से ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सबसे मेन बात है कि यहाँ पे आसानी से अकाउंट ओपन हो जाता है। अब देखो यार बॉस, ऐसा है कि ग्रो बहुत टाइम से म्यूचुअल फंड्स ऑफर कर रहा है, बट अब आप यहाँ पर स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन लाइक 52 वीक्स हाई लो या कंपनी इन्फॉर्मेशन बहुत ही इजीली अवेलेबल है, जिसके चलते स्टॉक चूज करना बहुत ईजी हो गया है। और हाँ, इसमें इक्वलिटी डिलीवरी पे भी आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है। और तो और यहाँ पर आप एक क्लिक में स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। अब इतनी सारी चीजें मिल रही है तो मेरे हिसाब से आपको देर नहीं करनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, 2 मिनट में आपका अकाउंट बन जाएगा, जाओ जाकर डाउनलोड करो और सही जगह इन्वेस्ट करो। लेजिट है, लीगल है और सेफ है, इसीलिए अपन ने इसके बारे में बताया है। ना वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखो फेक न्यूज को लेके मेनली सेलिब्रिटीज को ही टारगेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोग नीता अंबानी को तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, नीता अंबानी इस दुनिया के 4th नंबर के सबसे रईस आदमी की वाइफ है, साथ ही साथ पार्ट टाइम में IPL में एम्पायरिंग भी करती है।
अब आज से कुछ दिन पहले किसी ने इनके नाम का फेक अकाउंट बना लिया और वो अकाउंट गवर्नमेंट के सपोर्ट में ट्वीट्स करने लगा। अब जाहिर सी बात है आप लोग यही बोलोगे कि भाई सम्राट भाई इतने ही बेवकूफ नहीं है, फेक अकाउंट को समझते हैं, रियल अकाउंट को समझते हैं, आप होशियार हो सकते हो भाई। सब नहीं, कुछ लोगों ने इनके अकाउंट को रियल माना, इनके ट्वीट्स को रियल माना और उतर गए प्रोटेस्ट करने। बताती हूँ जैसे आप बोल रहे हो ठीक हो, लेकिन जिस तरीके से नीता अंबानी बोलती है कि अल्लाह ने कहा था एक मक्का मुसलमान तो वो अमित शाह को भेजा है, एक मिनट ये चीज क्या है, किस तरीके से आप किस जेन्युइन तरीके से पूछा था आपने कहाँ पढ़ा था, आपने कहाँ पढ़ा था, नीता अंबानी ट्वीट किया था, ट्वीट किया था, सीरियसली दीदी अगर प्रोटेस्ट ही करना था तो इनका नाम क्यों लिया, बेमतलब में चली जाती ना हमारे फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरह। हम लोग क्यों आए गाइस, हम लोग इन्फ्लुएंसर्स है, हम लोग का काम है कि जो गलत हो रहा है ना उसके लिए बोलो। आवर मेन जॉब इज टू प्रमोट पीस लव एंड ह्यूमैनिटी, एंड ये चीज जब जब नहीं होगी हम लोग आएंगे रोड पे उतरेंगे बिना सोचे समझे प्रोटेस्ट करेंगे। फिर अगर मैं इनको पंचड़ वाला जाहिल बोल दूंगा तो आप लोग बोलोगे मैं क्लास डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ। इन सेलिब्रिटीज को लेके अक्सर न्यूज बनती रहती है, लाइक शाहरुख भाई ने 45 करोड़ दे दिए पाकिस्तान को। इन न्यूज के बनने के बाद बेवकूफ लोग इस पे अपना रिएक्शन दे देते हैं। हमें ट्रेलर नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ डिसलाइक बटन को दबाकर वापस आ जाना है। और बेवकूफ लोग इसको अपनी स्टोरीज में शेयर कर देते हैं और ये सब देखने के बाद इंस्टाग्राम को आ जाता है गुस्सा और वो कह देता है पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं इंस्टाग्राम को तेरी, पहली फुर्सत में बुढ़ी के निकल। सो यार देखिए मैंने अभी तक आपको फेक न्यूज की हिस्ट्री बता दी, कुछ दिन पुराना पास्ट बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस वीडियो के लिए। पहले तो मुझे लगा कि ये वीडियो फेक है, लेकिन जब मैंने इस वीडियो को बार बार देखा तो मुझे एक चीज दिखी जिसके देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे दिखी सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका जो कि पीछे कोने में खड़ी थी और आपको भी साफ साफ दिखाई दे रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की उंगलियां हिल रही हैं, आप वीडियो में देख सकते हो, और सुशांत सिंह राजपूत की उंगलियां हिल रही है। ऐसा तब होता है जब जो है इंसान में थोड़ी सी जान बची होती है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, जीना चाहता है, तभी जो है ऐसे उंगलियां हिलती हैं। लेकिन भैया ये क्या है, उनकी उंगलियां हिल रही है, उस पर से कोई बंदा जो है उस पर कपड़ा रख दे रहा है, मतलब ये है क्या, इसका जवाब चाहिए भैया। अब ये बात सच है कि नहीं ये मैं नहीं बताऊंगा, ये भाई खुद ही बताएगा। पिछले वीडियो में एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे थे जहां पर हमें दिखाई दे रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की उंगली मूव कर रही है, उसके बाद जो है पुलिस वाले उसको कपड़े से ढक देते हैं। तो कुछ लोगों ने बताया जो मेडिकल डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने कहा कि मरने के कुछ घंटे बाद तक हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, मतलब इंसान तो मर जाता है लेकिन दिमाग जो है वो एक्टिव रहता है। इस वजह से बॉडी में हल्की फुल्की मूवमेंट जो है दिखाई देती है, हार्ट बीट वगैरह बंद हो जाती है लेकिन फिंगर्स वगैरह मूव हो सकती है हल्की फुल्की, मतलब ज्यादा नहीं हल्की फुल्की मूव हो सकती है। बेवकूफ इंसान, जब तू लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था ये बताने के लिए कि SSR जिंदा था, उस वक्त तू ये रिसर्च नहीं कर पाया। अगर ये रिसर्च तू पहले कर लेता तो 50 लाख लोगों के अंदर ये बात तो नहीं आती ना कि SSR जिंदा था और लोगों ने उसको जबरदस्ती मार दिया। और अब आयरनी देखिए इसकी, इस बंदे ने अपनी गलती के लिए ना अपोलोजाइज किया ना ही उस फेक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो को डिलीट किया, उल्टा जो लोग उस वीडियो से एग्री नहीं कर रहे थे, इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये उनके ऊपर ही चढ़ गया। और उन सभी लोगों को करारा जवाब मिलेगा जो नहीं चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। और लास्ट वीडियो में जो है उन्होंने बहुत ही उल्टा सीधा कहा था और उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम जो है आवाज उठाना बंद कर दें, हम जो है सुशांत के लिए लड़ाई लड़ना बंद कर दें, लेकिन हम बंद नहीं करेंगे। इस बात को हम समझ पा रहे हैं, अगर भाई ने एक फेक न्यूज स्प्रेड करी, आप उस बात से एग्री नहीं करते और उनको डिसलाइक कर देते हैं या फिर उनको गाली दे देते हैं ऑफेंड होके, तो इसका मतलब ये होगा कि आप सुशांत सिंह राजपूत से नफरत करते हैं, आप नहीं चाहते कि SSR की CBI इंक्वायरी हो। इस चीज को थोड़ा सा लॉजिकली समझो, भाई ने एक फेक न्यूज स्प्रेड करी, अगर उस बात से कोई उनसे एग्री नहीं करता दैट्स मींस वो ये कहना चाहता है कि CBI इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, वो सुशांत सिंह राजपूत से चिढ़ता है, इसको कहते हैं रियल इन्फ्लुएंसर। खैर कोई नहीं, मैं आपको आयरनी का एक और एग्जांपल देता हूं। अब ये क्या करेंगे मेरे खिलाफ और जो मेरे साथ बाकी यूट्यूबर्स है जो इस सुशांत सिंह राजपूत की मुहिम में जुट चुके हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उनके खिलाफ ये नेगेटिव कैंपेन कर रहे हैं। तो मैं ऑडियंस को बता रहा हूं जो इस मुहिम में मेरे साथ और बाकी यूट्यूबर्स के साथ है जो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने में लगे हुए हैं कि अपना ध्यान मत डाइवर्ट करना हमारे खिलाफ, मेरे खुद के खिलाफ कुछ यूट्यूबर्स है नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं। बको यार तुम्हें मेरे नाम से व्यूज चाहिए, कमा लो। जो बंदा खुद पिछले 3 महीने से सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए एक मरे हुए आदमी का नाम यूज कर रहा है, आज वो लोगों को ये बोल के क्रिटिसाइज कर रहा है कि तुम मेरे नाम से व्यूज खा रहे हो, मेरे नाम से व्यूज चाहिए, कमा लो।
शाबाश। इनको मेरे नाम से व्यूज कमाने हैं। ना तेरी शक्ल मैं थंबनेल में लगाऊंगा, ना तेरा नाम टैग में डालूंगा, ना टाइटल में, ना डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज अब इस चीज में चौड़ा मत होना कि तेरे नाम से व्यूज कमा रहा हूं। एंड सेकंड चीज, मैं आप लोगों के हाथ में एक फैक्ट देना चाहता हूं। ये जितने भी चिल्ला रहे थे ना जस्टिस फॉर SSR, इनको क्या चाहिए था? CBI इंक्वायरी, जो की मिल चुकी है, पहली चीज। दूसरी चीज, सोशल मीडिया से कुछ भी नहीं बदलता है। आज तक का एक रिकॉर्ड बता दो, Change.org पे जाकर लोगों ने कुछ चेंज करके दिखा दिया हो। यहाँ पर आप सिर्फ डिस्कशन कर सकते हो। अगर इनको वाकई में कुछ करना है ना, तो इनको समझाओ कि भाई कोर्ट जा, पेटिशन फाइल कर, उस पेटिशन की कॉपी लाके पब्लिक को दिखा, और पब्लिक से बोल कि भाई मैंने किया है, अब तुम लोग मेरा सपोर्ट करो, तुम भी जाके फाइल करो। अगर लीगल प्रोसेस होगी तो कुछ हो भी सकता है, वरना ऐसे यूट्यूब पे बैठ के तो कोई भी कर सकता है भाई। और हम इस मुहिम में जुटे रहेंगे तब तक जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल जाता। अब सारे लाइन से बैठो, रेज बेटिंग का मतलब समझो। पहली चीज तो भाई सुशांत के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, जो कि एक इमोशनल मामला है। अब भाई इस साल में लगभग 100 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें से वो अंधाधुन लोगों को ब्लेम कर चुके हैं कि ये बंदा खराब है या फिर वो बंदा खराब है। कुल मिला के ये खुद CBI ऑफिसर बन चुके हैं। अब इन्होंने जाने या फिर अनजाने में किसी के ऊपर फेक न्यूज स्प्रेड कर दी हो, किसी के खिलाफ हेट फैला दिया हो, तो इनको क्रिटिसाइज मत करना या फिर इनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो ये आप लोगों को ही समझाएंगे कि मैं तो सच का साथ दे रहा था, इसलिए ये लोग जेल में डालना चाह रहे हैं। ये अपनी गलती को सुशांत के नाम से दबा रहे हैं और आप दबने दे रहे हैं। इसको कहते हैं माइंड गेम। और इस तरीके के लोगों को मैं सीधा सीधा कहूंगा कि आप रेज बेटिंग का शिकार है मेरे भाई। इनके कंटेंट का सीधा सीधा मतलब होता है कि ये हमेशा गुस्से में वीडियोस बनाएंगे। ये आपको ऐसा प्रटेंड करेंगे कि आपके अंदर जो आवाज है, जो चीजें आप लोगों को बोलना चाह रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, उस चीज को ये उठा रहे हैं। बट असल में ऐसा नहीं होता है, ये आपके इमोशंस के साथ ही खेल रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरीके से खुद को रिलेटेबल बनाते हैं। अभी हाल ही में अंकिता लोखंडे के साथ भी इन PR टीम के लोगों ने ऐसी किया था। अंकिता लोखंडे के खिलाफ इन लोगों ने एक फेक न्यूज चलाई थी, पूरे मीडिया में चलाई थी, इन यूट्यूबर्स के थ्रू भी चलाई थी, इनको पैसे देकर। अंकिता लोखंडे सुशांत के साथ रिलेशन में थी, दोनों कनेक्शन में थे। भाई सुशांत के सपोर्ट में वीडियो बना रहे, लोगों को अंधाधुन ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन भाई ने खुद को इससे रिलेट कर लिया ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हाँ यार, अंकिता के ऊपर कर सकते हैं तो इसके ऊपर भी कर सकते हैं। नहीं करेंगे भाई, इतना किसी के पास टाइम नहीं होता। अगर मैं इसकी गलत बात को गलत बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुशांत से नफरत करता हूँ। इतना सा कॉमन सेंस लगाया करो। आपको इमोशनल बना के एक फेक न्यूज स्प्रेड करवाई जाती है और आप कर देते हो। अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो कभी समझ में नहीं आएगा। अगर लड़की है और रो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही होगी। अगर लड़का है और उसको चोट लगी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही ही होगा। हर्षदीप, वॉइस लॉकर रूम, MIT यूनिवर्सिटी, और अभी हाल ही में वो इंदौर के कुत्ते वाली, बिना सोर्स के, बिना लॉजिक के, सिर्फ इमोशनल होकर आप फेक न्यूज को स्प्रेड करते हो और उसके बाद आकर खुद से ही पूछते हो कि ऐसे लोग क्यों वायरल हो रहे हैं, इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है, फेमिनिज्म क्यों बढ़ रहा है, फेक ब्लेम्स इतने ज्यादा हाई क्यों हो रहे हैं, आपके कारण हो रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझाना चाहूंगा, किसी भी न्यूज का एक सोर्स होता है। जब भी आपके पास कोई भी न्यूज आए तो सबसे पहले उसका सोर्स मांगिए। ये जितनी भी वीडियोस बना रहे हैं ना SSR के ऊपर, इनके पास एक भी सोर्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने अजम्पशंस पे या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे मिले मीम्स के ऊपर बना रहे हैं। अब दूसरी बात ये उठ सकती है कि सोर्स कहां से लिया है। हो सकता है मीडिया बिक गई हो, तुम उस बंदे के साथ एक कमरे में रहते हो, तुमको ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली? इन्फॉर्मेशन निकली है तो उसका एक सोर्स तो होना चाहिए ना। बिना सोर्स की इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। तभी हो सकती जब मैं मन से बना दूं। फॉर एग्जांपल, मैं बैठे बैठे ये बोल दूं कि हिंदुस्तानी भाऊ ने अपना इंस्टाग्राम खुद प्राइवेट किया है, क्या सोर्स है इस चीज का? मैं हिंदुस्तानी भाऊ हूं, मैं उसका मैनेजर हूं? नहीं हूं। अब अगर कल को मेरी बात सच निकल गई, दैट मींस मैं सच्चा, और गलत निकल गई तो भाई रूमर्स से, सूत्रों के हवाले से खबर आई। ये टॉपिक इतना ज्यादा बड़ा नहीं था जितना मैंने इसको बनाया, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा जरूरी लगा। लोगों को इमोशनल करके उल्टी सीधी चीजें करवा रहे हैं और आप इमोशनल होकर कर रहे हैं। सीरियसली बोल रहा हूं, आज अगर आके मैं रो दूं ना, या मैं इमोशनल होकर SSR के ऊपर वीडियोस बनाने लगूं ना, तो मेरी लास्ट वीडियोस में जो हेट चल रहा है ना, वो सबका सब खत्म हो जाएगा। मेरी वीडियो सब्जेक्टिव होती है, किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं। बट रियलिटी बोल रहा हूं, अगर मैं आज SSR की सपोर्ट में वीडियो बनाने लगूं, उसके बदले में कितनी भी फेक न्यूज दे दूं, मैं कह रहा हूं भाऊ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई तो कुत्तों जैसी गाली सुनी। अगर मैं SSR का नाम लगा के भाऊ को क्रिटिसाइज करूंगा तो लोग मुझे सपोर्ट करने लगे। ये ब्रेन वॉश है हमारी यूथ का। अब अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड मैं किसी का नाम लेके लाइक नहीं मांगूंगा, तुम्हारी मर्जी। तुमको मेरा कॉन्टेंट, मेरी शक्ल, मेरी पर्सनैलिटी या फिर मेरी रिसर्च पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। अगर तुम मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो कर सकते हो @SamarBhaiOfficial पे। जाने से पहले रिमाइंड कराना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड्स में अगर इंटरेस्टेड हो या स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो जाओ जाकर ग्रो ऐप को डाउनलोड करो। एंड इन दी एंड समझाना चाहूंगा, फेक न्यूज आज किसी और के लिए वायरल हो रही है, कल तुम्हारे लिए हो जाएंगी। जनता जब इमोशनल होती है ना, तो अपने बाप को भी नहीं देखती। जय राम जी की।